हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास फिफ्थ का यूनिट 10 का मालू भालू। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टेंस में इस पोएम के। हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोली बेयर, स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन, मालू भालू वॉज हर नेम। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पोलर बेयर के बारे में बात हो रही है जो बहुत ठंडी जगह पर रहता है। इसी के साथ उसके बारे में ये भी बताया गया है कि वो स्नो वाइट, मतलब स्नो वाइट है, चमकता है, वाइट कलर की है, ब्राइट कलर की है उसकी मेन, मेन मतलब ये जो चेस्ट और गर्दन के पास में यहाँ पर ये जो हेयर्स होती हैं ये, इनकी बात हो रही है। तो उसका नाम क्या था, मालू भालू। वेरी सून अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, फर्स्ट टू कैच फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल। तो यहाँ पर क्या था, बहुत ही जल्दी मालू भालू बहुत सारी चीज़ें सीख गई जो भी उसके पेरेंट्स जानते थे। उसने क्या करा, पहले मछली पकड़ना सीखा, सबसे पहले बड़ी फिर छोटी, मतलब सबसे पहले छोटी बड़ी ऐसे करके उसने सारी मछलियाँ पकड़ना सीख लिया। मालू क्या थी, एक क्लेवर गर्ल थी। तो यहाँ पर ये जो बियर है ये क्या है, एक गर्ल है, बॉय नहीं है। मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। तो यहाँ पर एक दिन की बात है कि मालू ने अपनी मदर को बोला कि माँ आज मैं खेलने के लिए जाना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इस नीले और सफ़ेद आसमान के पार क्या है, मैं देखना चाहती हूँ। यहाँ पर उसकी माँ क्या कहती है, अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम, इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स समर पेशेंट व्हाट अ टेस्ट, मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो उसकी मदर है वो बोलती हैं बेटा थोड़ा सा सबर रखो, अगला जब समर आएगा, जब अगली गर्मी आएंगी तब हम लोग चलेंगे। समर, और फिर इसी चीज़ को सुनकर मालू बोलती है गर्मियाँ नहीं और सबर, ये तो मैं नहीं रख सकती, बड़ा ही मुश्किल टेस्ट हो जाएगा ये तो मेरा। मालू सिंपली रेस्ट नहीं कर सकती थी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मालूज मम क्लैस्प मालू टाइट विद इन हर आर्म्स, देन शी सेड हर वॉइस वॉज फिर्म, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मालू की मदर हैं वो उसको हक करती हैं, देखो क्लैस्प मतलब इस तरीके से उसको पकड़ लेती हैं अपनी गोद के अंदर और उसको बोलती हैं कि बेटा सुनो, सबसे पहली चीज़ तुम्हें सबसे पहले सीखना है चूँकि क्या है, स्विम करना। बट माँ सेड मालू वॉट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्विम बिफोर। डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर, डू एज आई डू दैट्स ऑल शी एडवाइज टू हर। तो यहाँ पर जो मालू है वो बोलती है लेकिन माँ मैंने तो कभी भी स्विमिंग करी ही नहीं है, मैं कैसे स्विम कर पाऊँगी। तो जो मालू की मदर होती हैं वो उसको बोलती हैं कि चिंता मत करो, मैं जो भी करती हूँ या जो भी तुम्हें सिखाती हूँ उसको फॉलो करना, बस सिंपल है। शी हैड नो चॉइस नो अदर वे, मालू हैड टू स्विम दैट डे, टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड इन टू द वाटर स्प्लैश टू लैंड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मालू है वो अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ लेती है और उसके पास अब कोई भी चॉइस तो नहीं थी, इस वजह से उसे उसी दिन स्विमिंग भी सीखनी पड़ी। उसकी माँ ने उसका हाथ अच्छे से पकड़ा हुआ था और ये दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, मालू स्वैम विद ऑल हर माइट, इट डिडेंट मैटर रॉन्ग और राइट। तो जो मालू थी वो अपनी माँ की तरह ही बहादुर थी और जो भी उसका डाउट था और जो भी उसका डर था, मतलब जो भी उसके दिमाग में डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे और जो भी उसका डर था, उस सबको वो पीछे छोड़ चुकी थी और बहुत ही अच्छे से उसने क्या करा, बहुत ही अच्छे से स्विमिंग करी। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, फियरलेस वॉज मालू दिस शी न्यू, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू। तो जो ये जो स्विमिंग थी ये बड़ी ही नेचुरली आई थी उसे सीखना, मतलब इतनी ज़्यादा उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही वो स्विम कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें मालू की मदर देख रही थी और उन्हें यही लगता है कि मालू जो है वो फियरलेस तो है नहीं, मतलब उसके कोई डर तो नहीं लग रहा, लेकिन इसी के साथ वो बहादुर भी है और स्पेशल भी है। इसी के साथ हम देखते हैं इस पोएम के कुछ न्यू वर्ड्स। तो लेयर का मतलब होता है वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस, मेन का मतलब होता है
लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स. क्लैस्प्ड का मतलब होता है एनसर्कल्ड, होल्ड क्लोजली. तो मैंने आपको बताया था जो हग करने वाला था वो था हमारा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब पोएम हम रीड कर रहे थे. माइट का मतलब होता है ग्रेट स्ट्रेंथ. इसी के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों, इन्हें भी देख लेते हैं. वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली. तो कहाँ पर रहते थे पोलर बियर अपनी फैमिली के साथ? देखिए सबसे पहले स्टैंड के अंदर लिखा है हाई अप इन द आइसी लेयर. नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, दैट इज सेकेंड, वॉट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स. मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या क्या करना सीखा था? मालू ने तो अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें करना सीखा था, जैसे कि क्या, फिश को पकड़ना सीखा था, और जो भी चीज़ें उसके पेरेंट्स को आती थी उन सबको सीखा था. मालू लर्न द थिंग्स दैट हर पेरेंट्स न्यू. शी ऑल्सो लर्न टू कैच फिश बिग और स्मॉल. तो ये होगा आपका आंसर बच्चों. आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो है वेयर डिड मालू वॉन्ट टू ट्रैवल. आखिर मालू ट्रैवल कहाँ पर करना चाहती थी? तो मालू कहाँ पर ट्रैवल करना चाहती थी? देखिए यहीं पर आंसर दिया है, मालू सेड टू हर मदर डे, आई एम गोइंग आउट टू प्ले, आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. तो ये होगा हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का बच्चों. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, वॉट वॉज इट मालूज पेरेंट वॉन्टेड हर टू लर्न. तो मालू के पेरेंट्स क्या चाहते थे, वो क्या सीखे? मालूज पेरेंट वॉन्टेड हर टू लर्न स्विमिंग. तो ये होगा हमारा आंसर. वॉज मालू स्केयर्ड टू स्विम. क्या मालू डरी हुई थी स्विम करने से? हाँ वो डरी हुई थी. यस मालू वॉज स्केयर्ड टू स्विम. इसी के साथ हमसे एक और क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है, डिड शी लर्न टू लर्न इट ईजिली. यस मालू लर्न टू स्विम ईजिली, मतलब वो बहुत ही आसानी से सीख गई थी स्विम करना. उसे लग रहा था मुश्किल है लेकिन वो सीख गई थी. रीड द लास्ट टू स्टैंड ऑफ द पोएम, हुम डज शी स्टैंड फॉर इन बोथ. तो यहाँ पर हमें लास्ट टेंस पढ़ना है, जो कि क्या है, फियरलेस वॉज मालू दिस शी न्यू, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू. तो यहाँ पर क्या, जो मालू के बारे में बात हुई है कि यहाँ पर जो ये शी है ये किसके लिए यूज करा गया है, ये आप बता सकते हैं. आगे चलते हैं बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर. और यहीं पर हमें एक पिक्चर भी दी गई है और इसके बारे में भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं. एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, ये एग्ज़ाम के अंदर आते नहीं हैं लेकिन 1-6 तक आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं. तो ये जो 6th वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसको ज़रूर आप इसका आंसर दें कमेंट सेक्शन के अंदर. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन. और नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो रहा है, मतलब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जो स्टोरी है इस चैप्टर की आगे वाली, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, जो है Who will be the night owl. तो ये आप देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है. और इस चैप्टर को भी आप ज़रूर देखें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.